तो आप जानते हैं कि दो दिन पहले गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थर फेंके गए। पत्थरबाज कौन थे? नाबालिग। अब लखनऊ से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, इस बार भी पथराव करने वाले नाबालिग। कच्छ में भी हिंदू त्योहार को टारगेट किया गया और पैटर्न ऐसा ही। आखिर अचानक इस तरह का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्यों हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है? सवाल यह है कि क्या योगी लखनऊ के पत्थरबाजों पर एक्शन करके इस मामले में कोई एक नई लकीर खींचने वाले हैं? बिग एंड बोल्ड रिपोर्ट। गणेश पंडाल पर नफरती पत्थर फेंकने की लोकेशन भले ही बदल गई, लेकिन मजहबी कट्टरपंथ की चाशनी में कंठ तक डूबी हुई सोच और उन्मादी तरीके में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। पहले तो नाबालिग बच्चों के जरिए गणेश प्रतिमा पर पथराव कराया और फिर धमकी दी गई कि आइंदा पूजा हवन हुआ और आरती गाई तो बुरा होगा। पहली घटना लखनऊ की है और दूसरी गुजरात के कच्छ की। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पता है 5 कालिदास मार्ग। उससे सिर्फ 11 किलोमीटर दूर चिन्हट के गंगा विहार कॉलोनी में उन्मादियों ने इस तरह की हिमाकत को अंजाम दिया। सोचिए कितने बुलंद होंगे पत्थर बरसाने वालों के हौसले, ये जानते हुए भी कि योगी का बुलडोजर आरोपियों को माफ नहीं करता। नारा बस अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये कौन लगाते थे लोग? बस यही जो बच्चे थे और इनके साथ में जो 20-25 लोग थे। हाँ। रोज बस इसी गली में। हाँ। जिस दिन हमने मूर्ति रखी उसके दूसरे दिन से। हाँ। तो मतलब इनकी दिक्कत ये थी कि ये क्यों कर रहा हो, ये समस्या है, क्योंकि ये ज्यादा लोग हैं, हम लोग कम हैं। हाँ। यही परेशानी है। गाली दे रहे थे, यहाँ क्या कर लोगे हम लोग को? हम लोग ज्यादा लोग हैं, क्या कर लोगे? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये हुसैन जय हुसैन खूब चिल्ला रहे। बवाल मचाने वाले झुंड में थे 20-25 की तादाद में, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सांप्रदायिक नारा लगा रहे थे। इस बार घर के अंदर ही घुस गए। पथराव करने वालों में मासूम भी थे। और फिर ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा को खंडित कर दिया। मौके पर मौजूद ये पत्थर बता रहे कि धर्म विशेष के आरोपियों ने हिंदू त्योहारों से नफरत का लेटेस्ट एडिशन लॉन्च किया है। ये देखिए अभी थोड़े पत्थर यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये गणपति बाबा की मूर्ति के बगल में है। आपने कह रहे कि कलश स्थापित किया तो टूट गया? कलश देखिए सब वो हो गया, खंडित होने हो गया, नारियल गिर गया, सब हो गया। अच्छा, तो ये कह रहे कि ये जो नारियल इसके ऊपर था ये नीचे गिर गया, खंडित हो गया है। यहाँ भी पत्थर थे, हालांकि पुलिस जब बाद में पहुंची तो इन पत्थरों को हटाया गया। ऐसा कोई पर्सनल रीजन नहीं है। हाँ। हम लोग अपने भगवान की पूजा करें भाई। हाँ। तो उसमें भाई अब अपने घर के अंदर कर रहे हैं, बल्कि भाई अब आप ये बताइए, धर दीपावली आता है, सारे महोत्सव आते हैं, ठीक है, पूजा तो हम लोग अपने घर के अंदर कर रहे हैं भाई, तो उसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस मोहल्ले में हिंदू घर को टारगेट किया गया वह मुस्लिम आबादी बहुतायत में, हिंदुओं के सिर्फ 6 से 7 घर बताए जाते हैं जबकि मुसलमानों के 60 से 70। हिंदू परिवार का आरोप है कि छोटी मस्जिद के पास वाले जिस मोहल्ले में वो रहते हैं वहाँ पहले ऐसी नौबत कभी नहीं आई, लेकिन इस बार नफरत की इंतहा कर दी। दावे के मुताबिक गणेश आरती के दौरान ही उनके घर के बाहर मजहबी नारे लगाए जाते हैं। मंगलवार को महिला और उसकी बेटी मौजूद थी, तभी पथराव की इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है ऐसा करने वाले कुछ पड़ोसी हैं, कुछ बाहर के लोग भी थे। जाते जाते धमकी दे गए कि मुंह बंद करना सीख लो वरना जीना दूभर कर देंगे। हरा झंडा इन्होंने मस्जिद से उठाया, बस निकला है, बस झंडे के पीछे से बस वे लोग चलाना शुरू कर दिए। बस भाई जा हुसैन या हुसैन करके वो लोग नारे लगा रहे थे। अच्छा, तेज आवाज में लगा रहे थे? जी जी, बहुत तेज आवाज में। सर हम लोग समझ नहीं पाए कि लोग चले निकले हैं। पहली बार हुआ, इसके बगल में 5 साल से हम लोग रख रहे हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? वहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, मगर ये नीचे का पोस्ट पाया गया इसलिए उदम कर ले, हम लोग उस पर रखते हैं ना, इसलिए उस पर छत पर रखते थे पहले, मतलब दूसरी मंजिल पर। जुलूस वाले आए निकले हैं, मतलब हम लोग कुछ ध्यान नहीं दिए। जब हमारा यहाँ प्रसाद बढ़ गया तो हम डेली झाके तो देखे मूर्ति के फोर दिन घुमा डाठी चल गए, तब हम लोग उतर के गए। सूरत में बवाल की जो तस्वीर दिखी थी वो पूर्व नियोजित थी। लखनऊ का पैटर्न भी बिल्कुल एक जैसा है। सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थर फेंकने से 2 दिन पहले प्लास्टिक के पाउच फेंके गए थे। लखनऊ में भी गणेश पूजा के दौरान हिंदू घर के बाहर मजहबी नारे लगाए गए। सूरत में पथराव करने वाले नाबालिग थे, वो नारे लगाते हुए भागने की कोशिश में थे। लखनऊ में पत्थरबाजी करने वालों में नाबालिग शामिल है, बाकी लोग भाग गए। सूरत के जिस सैयदपुरा में
गणेश पूजा को टारगेट किया गया वो मुस्लिम बहुल इलाका है और लखनऊ में हुई घटना में भी मुसलमान ज्यादा संख्या में रहते हैं। सवाल है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर बड़ी साजिश की तरफ इशारा, क्योंकि अक्सर बड़े बवाल की स्क्रिप्ट छोटी छोटी घटनाओं के जरिए ही लिखी जाती है। चिन्हट का ये वो मोहल्ला है जहाँ पे कल शाम को पंडाल में गणेश आरती के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया है। आरोप है कि वो सभी इसी मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं और ये वो घर है जहाँ पर जो है वो पंडाल घर के अंदर ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पे जो है स्थापित किया गया था। इन लोगों का दावा है कि शाम को जब गणेश आरती हो रही थी उसी दौरान कुछ लोग यहाँ पहुँचे। लखनऊ के चिन्हट से अखिलेश यादव की आवाज की दूरी भी 11 किलोमीटर के ही करीब है, यानी चंद मिनटों का फासला, लेकिन अखिलेश यादव इन सबसे अलग पीडीए पीडीए खेलने में व्यस्त है। सोशल मीडिया पर एक ग्राफ के जरिए ये दम भरते हैं कि यूपी में जिनका एनकाउंटर हो रहा उनमें पीडीए से आने वाले सबसे ज्यादा है। अब अखिलेश के इस फॉर्मूले में चौरसिया परिवार फिट होता है या नहीं ये अखिलेश ही तय कर सकते हैं, क्योंकि उनका नैरेटिव सियासी लकीर खींचने वाला होता है। बहरहाल रात 8 बजे यूपी की राजधानी लखनऊ में हिंदू परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसने डर पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों ने इंसाफ की मांग की तो पत्थरबाजी का नाबालिग पैटर्न सामने आया। एक नाबालिग को पुलिस ने फौरन पकड़ लिया, बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। मंदिर के ऊपर लगाया गया ये झंडा इस बात की गवाही है कि हिंदुओं से नफरत का चैप्टर शहर शहर नजर आ रहा। कच्छ के कोटड़ा जड़ोदर में खास समुदाय से जुड़े लोगों ने वही किया जो लखनऊ में देखने को मिला। गणपति पंडाल पर पथराव किया, मूर्ति खंडित कर दी, पथराव करने वाले 3 आरोपी नाबालिग। ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस तरह नाबालिगों को पत्थर थमाए जा रहे और नफरती चैप्टर उनके दिमाग में चश्मा किया जा रहा वो सुना जरूर सकते। गणपति ऊपर पत्थर मारो करो आवे, पत्थर मारा थी, सोन टूटी पड़ी थी, सोन तोड़ा थी, पुलिस वाला जान करो आवे थी, वो पुलिस वाला भाईचारो नहीं पाव था, ये लोग सोन माथे चोड़ावी नाखी थी, आ छे सबूत। पत्थराव जे पत्थर मारवामां आव्या हता ए पत्थर पुलिसे लई लीधा छे, पुलिसे बे दिवस रहीने एक्शन नी वात करी छे। हिंदू प्रतीकों से नफरत की इस कड़ी को एक मंदिर के जरिए आगे बढ़ाया गया। पासी के मंदिर पर हरे रंग का झंडा लगा दिया और फरार हो गया। तस्वीरें सामने आई तो पुलिस को शिकायत दी गई और फिर दोनों ही मामलों में एक्शन लिया गया। पथराव करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि झंडा लगाने वाले एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का यह एक्शन रातों रात हुआ और मैसेज दिया गया कि हिंदू त्योहारों को निशाना बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन मिली कि जो एक गणपति जी का पंडाल है वहाँ पे गणपति जी की मूर्ति खंडित हुई है और साथ में बाजू में एक जो मंदिर है वहाँ पे कोई एक फ्लैग हरा लगाया हुआ है। ये दोनों चीज को देखते हुए पुलिस ने तात्कालिक स्पॉट विजिट किया और साथ साथ में इस पूरे बनाव की इन्वेस्टिगेशन चालू की। भरूच और संभाजी नगर की ये तस्वीरें रात के वक्त की है, लेकिन इस हंगामे में जो सुनाई नहीं दे रहा वो आपको हम बताते हैं। भरूच में झंडा लगाने को लेकर बवाल हो गया और हंगामा इतना बढ़ा कि लोग सड़क पर उतर। हिंदू समुदाय का दावा है कि हरे रंग का झंडा लगाने की कोशिश हुई, विरोध किया तो इलाके के मुसलमानों ने हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। घरों में छिपे बैठे आरोपियों को पुलिस पकड़ कर बाहर लाए। भरूच पुलिस के सेक्शन से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने गणेश पूजा के विरोध में सारा बखेड़ा खड़ा किया। जे लोको विरुद्ध आक्षेप थया छे तमामने डिटेन करवामां आया छे, के दरेकना शू रोल्स छे, दरेकनी शू जवाबदारी छे, अने जे रेकॉर्डिंग अमने सीसीटीवी के मीडिया मार्फते मळी रह्या छे एना आधारे गुनो दाखल करीने आगळनी कार्यवाही भरूच पुलिस करी रही छे। हाल अहींया माहोलमां शांति छे, तमाम लोकोने विनंती छे के कोई पण जग्याए कोई पण उश्કેરણીજનક कोई भड़कावे एमां भड़कावुं नहीं अने कोई पण विषय ध्यान उपर आवे तो पुलिसने। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में गणेश मंडल के सामने पथराव किया गया। रात के अंधेरे में ढोल बजा रहे लोगों पर हमला हुआ और आरोपी फरार हो गए। सवाल है कि आखिर गणेश पूजा को टारगेट क्यों किया जा रहा, गणेश पंडाल में पत्थरबाजी किसके इशारे पर कराई जा रही और क्यों नाबालिगों का हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा। गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह के जितने भी मामले सामने आए उनमें पर्सनल रंजिश वाला कोई भी एंगल नहीं। हिंदुओं की तरफ से किसी भी तरह की टीका टिप्पणी शुरुआत में नहीं की गई, फिर आखिर क्यों अचानक इस तरह पथराव किया जा रहा। लखनऊ में पत्थरबाजी करना इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि घर के अंदर गणेश प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश हुई और पूरे परिवार को धमकी दी गई।
लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत।